हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके फिर से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या आपके हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन से रिलेटेड हो या हरियाणा लीट में जो बीटेक वाले स्टूडेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आप सभी बच्चों तक आती है तो आप सभी स्टूडेंट मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सलूशन होगा, जैसे मैं अभी तक देता आया हूँ, आगे भी आप सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। और आज की जो वीडियो है, जिन बच्चों का प्लानिंग है पॉलिटेक्निक करने का, या फिर आप हरियाणा से हो या आप आउट ऑफ हरियाणा से हो या बिहार से हो या यूपी से हो, कहीं के आप स्टूडेंट हो, तो आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो। और स्पेशली जो पॉलिटेक्निक ब्रांच के बच्चे हैं जिनका प्लानिंग है पॉलिटेक्निक करने का और स्पेशली जो हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो। और मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो जितना जल्दी हो बेटा अपना सीट अच्छे पर से रिजर्व करके अपना एडमिशन लेके और आराम से 3 साल का पॉलिटेक्निक करके, और जो बच्चे 12th साइंस से किए उनके लिए 2 साल का पॉलिटेक्निक, आराम से अपनी लाइफ सेट करो, JEE बनो, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आज की जो वीडियो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, हरियाणा पॉलिटेक्निक एडमिशन नोटिफिकेशन 2023-24 की ये पूरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहली बात, आज जो है HSTS की तरफ से जो नोटिफिकेशन, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन, जो इसका प्रोस्पेक्टस है वो जारी कर दिया गया है उनके ऑफिशियल साइट के ऊपर। जिन बच्चों के पास वो नोटिफिकेशन ना हो बेटा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कल ही डाल रखा है और मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, बेटा आप हरियाणा से हो या आउट ऑफ हरियाणा से है, आपकी परसेंटेज ज़्यादा है या आपकी परसेंटेज कम है, बेटा अगर आप हरियाणा से पॉलिटेक्निक करने की प्लानिंग है तो आपको आज या कल यहाँ का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। या बेटा एडमिशन में कोई दिक्कत आए तो आपको मैं ही खड़ा मिलूंगा, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लोगे वहाँ कोई पेपर हो कोई दिक्कत आएगी वहाँ मैं खड़ा मिलूंगा। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ बेटा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, जिन बच्चों का एडमिशन है बेटा परसेंटेज कम भी है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं सारे रास्ते दिखा दूंगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आपको सेपरेट ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। एक ग्रुप कंप्लीट हो गया है, सेकंड ग्रुप बनाया था जिसमें अभी मैंने बच्चों को ज्यादा भरा नहीं है, अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं फर्स्ट ग्रुप, काफी बच्चों का मैसेज आया उसके बाद भी, लेकिन बच्चे अभी तक मैंने सेकंड ग्रुप नहीं बनाया, जैसे मैं बनाऊंगा आप सभी बच्चों को भी मैं वहां ज्वाइन कर दूंगा। तो उस ग्रुप में मैंने एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस कल शाम में ही डाला है और आज HSBT के ऑफिशियल साइट पे आ रखा है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आप चीजों को समझिए सर, फॉर्म अप्लाइंग डेट मतलब फॉर्म का जो है अप्लाई कब से स्टार्ट होगा हरियाणा पॉलिटेक्निक में। तो बेटा जिन भी बच्चों का हरियाणा पॉलिटेक्निक से करने का प्लानिंग है तो बेटा 9/6/2023 मतलब 9 जून से आप सभी बच्चों के जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो भाई हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए अब की बार मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, मतलब कोई भी एंट्रेंस पेपर आपको नहीं देना, अगर आपके 33 में अच्छे परसेंटेज है तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। और जो बच्चे लेटरल एंट्री में एडमिशन लेंगे, अगर बेटा आपका 12th में अच्छा परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो रही बात सर फॉर्म अप्लाइंग डेट, तो सर ने बता दिया 9/6/2023 आपका फॉर्म है स्टार्टिंग डेट है। सेकेंड है सर फॉर्म अप्लाइंग लास्ट डेट, मतलब क्या है आप लोग कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो बेटा 17/7/2023 मतलब आपके पास काफी टाइम है, इस टाइम के बीच में बेटा आप सभी बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई घबराने की ऐसी खास जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह 9 तारीख से अगर स्टार्ट है बेटा तो 15 से 16 जून के बीच में आप लोग अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर लेना। और अभी तो मैंने फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड सारा अपडेट बताया, मैं सब कुछ बताऊंगा कौन सा बेस्ट कॉलेज है, बेटा मैं इन्हीं कॉलेज के बच्चे पढ़ाता हूँ, जो नए बच्चे हुआ शायद आप लोग देख रहे हो, मैं हरियाणा पॉलिटेक्निक के ही बच्चे पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ प्लेसमेंट ज्यादा है, कौन सा कॉलेज नॉर्मल है जहाँ प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कौन सा ब्रांच बेस्ट ब्रांच है। अब ऐसा नहीं पता चले आपको एडमिशन मिल रहा है कोई सा भी ब्रांच लेके बैठ के, प्लानिंग था रोड बनाने का और बना रहे हो पता चले ट्रक, तो ये चीजें पूरा कंप्लीट देख के ही कहीं पे अपना एडमिशन लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपडेट है सर अप्लाइंग चार्जेस, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो सर अगर हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म का अप्लाइंग चार्जेस क्या है, कितना चार्जेस करना होगा, तो सर ने लिख रखा है ये 1000 रुपए है, या बेटा आप अदर स्टेट के हो या आप हरियाणा स्टेट के हो, और अगर बेटा आप जनरल के अगर आपका है तो बेटा आपको 1000 रुपए लगेंगे, और जो भी अदर रह गया उन सबका 700 रुपए चार्जेस है। मतलब अगर आप हरियाणा के हो और बेटा अगर आपका कोटा है तो आप सभी बच्चों को 700 रुपए चार्जेस पे करने होंगे, और अदर के जितने भी आप हरियाणा से हो या फिर आउट ऑफ हरियाणा से हो, और बेटा अगर आप किसी भी जनरल के हो तो आपको 1000 रुपए चार्जेस पे करने हैं।
नेक्स्ट अपडेट है, सबसे पहली बात सर काउंसलिंग डेट, बेटा ये एक इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को कंप्लीट बता पाऊँ, पहले प्रोसेस समझो। पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको अपनी मार्कशीट का वेरिफिकेशन करवाना होगा किसी सिलेक्टेड, जो आपने सिलेक्ट किया उस कॉलेज में। उस कॉलेज में जब आप अपने मार्कशीट का वेरिफिकेशन करवा लोगे, मतलब टेंथ के डॉक्यूमेंट का, वो सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो आपने फॉर्म में अप्लाई करते समय दिया है, जब वो अप्लाई हो जाएगा उसके बाद बेटा काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग आप करोगे अप्लाई, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग। अगर बेटा आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता है जो आपने चूज किया, तो मिठाई उसी दिन बांट देना अपना एडमिशन जाके लेके, और काफी कम चार्जेस है यार। आप उम्मीद करो, जो अगर आप लोग चाहते हो 50,000 के अंदर अगर आपका डिप्लोमा हो जाए 3 साल में, तो बेटा हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन काफी अच्छा है। और मैं बताना चाहता हूँ बेटा, आप किसी भी, अब आपको ऐसा ना कोई भी बच्चा सोचे जो अगर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो मेरा प्लेसमेंट कंफर्म है, मैं पढ़ू या ना पढ़ू कतई नहीं प्लेसमेंट होने वाला। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बेटा आपका प्लेसमेंट कहीं नहीं होगा, या आप इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बेटा दो काउंसलिंग होगा, एक काउंसलिंग का डेट है 8/8/2023 और सेकंड काउंसलिंग का डेट है बेटा 18/18/2023। और इसमें कुछ चेंजेस है, अब जैसे जो बच्चे लीड के लिए है या डी फार्मेसी के लिए, बेटा 1-2 दिन का आगे पीछे सब कुछ में वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट अपडेट है सर, हरियाणा स्टेट स्टूडेंट, मतलब जिन बच्चों का डोमिसाइल हरियाणा का है, तो बेटा आप लोगों के लिए 5% सीट रिजर्व है। वाह भाई मजा आ गया, मतलब अगर आपका टेंथ बेटा, अगर आपका टेंथ हरियाणा से है और अगर डोमिसाइल भी हरियाणा, टेंथ कहीं का होगा, डोमिसाइल हरियाणा का है, डोमिसाइल मतलब समझ गए जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या सारे डॉक्यूमेंट हो गए, तो बेटा आपका 85% सीट रिजर्व है पूरे सीट का। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है बेटा, आप लोग फाइट करोगे 15% में, जैसे कि कोई बच्चा बिहार का है या कोई बच्चा यूपी का है या कोई बच्चा पश्चिम बंगाल का है या किसी भी स्टेट के बच्चे हो या बच्चा कोई दिल्ली का है, तो बेटा आप लोग फाइट करोगे इस 15% पे। और जिन बच्चों का डोमिसाइल हरियाणा का है वो फाइट करेंगे 85% पे। फॉर्म अप्लाई डेट 9/6 है, फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट 17/7 है, एप्लीकेशन चार्जेस 1,000 रुपए और काउंसलिंग डेट 2 काउंसलिंग होगा, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग कुछ भी हो, बाबू अप्रोच एडमिशन सबका मैं करवा दूंगा। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है बेटा, आप सभी बच्चे अपना फॉर्म अप्लाई करें और कोई दिक्कत आए मेरा व्हाट्सअप नंबर डला है, आप सभी बच्चे वहां पे 100% मैसेज करें। तो चलो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं आप सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे बच्चे ठीक होंगे।